जाता है? बुलेट जाता हूँ। कहाँ? डैम जाता हूँ, बर्थडे पार्टी है। जा पे खाता है? नहीं, वहीं कर बस। लड़की चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, फिर दिल टूटेगा, मराएगा। इके सोशलाइज है कहन भी तोर नहीं आ रहा मुका मुही है, हैं चुपचाप से रूम भीतर रहा, पढ़ल रहा, कुछ काम धाम नहीं। सोशलाइज के मतलब है कि आदि मन से जाए के गांव के आदि मन से बातचीत करे, एक सुख दुख हाल चाल पूछे, कोई के सोशलाइज कहन। तोरे मन जैन रहा, तोरे मन करल, तोरे मन सोशल एनिमल का, तो है कि सोशलाइज कहन। इके नहीं निंदाए रखा दे, वीडियो वीडियो बनाओ, कुछ काम धाम कुछ ना के वीडियो तो बनाओ एटलीस्ट। आज दिन भर में खाली शार्क टैंक देख के खत्म कर दिले, आज का वीडियो बना दे तुम्हें बुझे नहीं पा रहा था। जो ना भी तो इतर रहा है यहाँ भाई, मौजान बर्थडे पार्टी एंजॉय कर। बात तो ठीक कहा उसने, कुछ तो करना पड़ेगा। वो तो बर्थडे पार्टी एंजॉय करने चल गया, चलो अपन भी एंजॉय करता है। इट्स मैक वीडियोस। सो हे प्रो पीपल, सो वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल येट तो लाल बटन दिख रहा होगा उसको जाके ग्रे बना दीजिए, एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। आज यूजुअल मैं वीडियो बनाने से पहले मैं रीडिंग करना पसंद करता हूँ, मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है। तो आज यूजुअल डेली लाइफ में जैसे चलता है वैसे ही आई वॉज रीडिंग दैट बुक नेम एक्ट लाइक ए लेडी थिंक लाइक ए मैन, जस्टी बारहवीं का बुक। जब मैं पढ़ते पढ़ते आ रहा था तो वहाँ पर एक चैप्टर आया, वाई मैन डू वट दे डू, कि वो चैप्टर के अंदर और एक चैप्टर है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट ही वॉन्ट्स टू स्लीप विथ यू। तो वो चैप्टर जब मैं रीडिंग कर रहा था देन आई कैंट कॉन्सेंट्रेट माई सेल्फ बिकॉज ऑफ हर थॉट इज पोकिंग मी, मॉकिंग मी एंड डिस्ट्रैक्टिंग मी। मैं बहुत कोशिश किया लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो ही गया, मुझे फिर पढ़ने मन नहीं किया, रीडिंग करने मन नहीं किया, देन आई जस्ट लॉस्ट, मैं खो गया। थोड़ा देर खोने के बाद मैं सोचा कि चलो भाई अब खो ही गए हैं तो अब थोड़ी ना सोच के अपना मूड को उधर ही रखना है, अब जो पास्ट था पास्ट हो ही गया। तो मैं फिर शार्क टैंक देखने बैठ गया, देन फिर शार्क टैंक देखते देखते मेरे को रियलाइज हुआ कि शाम हो गया है एंड आई डिडंट डन एनीथिंग येट। देन मेरे को याद आया कि एक जो पहले बुक पढ़ रहा था तो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ पे मैं देखा था कि वहाँ पे एक सेंटेंस था कि नेचर ऑफ योर थॉट, तो मेरे को दिमाग में स्ट्राइक किया कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द थॉट, क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं उसका सिंपल थॉट से ही, उसका सोच के ही मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई मूव्ड ऑन, सी मूव्ड ऑन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर अभी उसका थॉट मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कर सकता है, तो बाद में भी कर सकता है, तो अब उससे लड़ने का एक ही रास्ता है कि अब जो थॉट है उसका जो थॉट आ रहा है या फिर नेचर ऑफ द थॉट ही क्या है भाई, उसको ही समझ लेते हैं ताकि हम लोग प्रॉब्लम का जड़ को पूरा नीचे से ही काट के उखाड़ के फेंक दें, ताकि और भी कोई थॉट आए तो उसका नेचर अपन को पता रहे, अपन आराम से टैकल कर पाए। फिर और क्या, फिर मैं गूगल में सर्च करने बैठ गया व्हाट इज़ द नेचर ऑफ थॉट, तो यहाँ पे वर्षा सिंह बोल रही है थॉट्स आर एनर्जी, नेगेटिव थॉट नेगेटिव इवेंट क्रिएट करता है और पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव रिजल्ट देता है। एनर्जी इधर स्टोर्ड इन द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट मीन दिमाग में, और इधर ट्रांसमिटेड टू द यूनिवर्स, इट नेवर डाइज, दैट्स व्हाट वर्षा सिंह इज सेइंग। But I don't get my answer. Wait. Negative thought creates negative event.
मतलब मैं कुछ नेगेटिव सोचा क्या उसके बारे में? नहीं, मैं तो बस हम दोनों के बारे में सोचा, हम दोनों का मोमेंट के बारे में। और वो तो बहुत ही खूबसूरत था, और मैं डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो गया कि अभी वो सब मेरे को मिलेगा नहीं, तो मैं खोया कहाँ पे? इसीलिए तो नहीं कि हम लोग का जो मोमेंट था वही नेगेटिव था?